What's up guys, welcome back to the video. So, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे साइड क्वेस्ट का डे नंबर 4 आ चुका है, लाइव आ चुका है. एंड मतलब बेसिकली उसकी जो स्लिंग रिंग है वो अवेलेबल हो चुकी है, क्या कहते हैं अपना डेली लॉगिन से, जो भी उसका कैलेंडर है वहाँ से. सो ऑलमोस्ट मेरे को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जो आयरन मैन वाले चैंपियंस होंगे वो होंगे हमारे अपोनेंट, बट स्टिल अगर दूसरा कोई हो सकता है तो जस्ट मैं अपना जो है रोस्टर यहाँ पर थोड़ा बहुत सिलेक्ट कर रहा हूँ. एंड ऑफ कोर्स मैंने जो है रेड मैग्नीटो को उठाया, क्योंकि अगर सामने कोई मेटल वाला चैंपियन रहेगा तो फाइट काफ़ी इजीली ख़त्म हो जाएगी एंड मेरे को इतनी दिक्कत आएगी नहीं. एंड देन फिर मैं ह्यूमन टॉर्च को यूज़ किया, बिकॉज अगर आयरन मैन इन्फिनिटी वॉर होता है तो हमको उसको भी किल कर पाएंगे. एंड जस्ट इन केस कोई अगर रोबोट चैंपियन होता है तो इसी की वजह से मैंने वेनम पूल को उठाया, कि अगर कोई रोबोट वाला होता है चैंपियन तो हम लोग जो इसको डिफीट कर सकते हैं, जैसे कि विजन है नॉर्मल वाला विजन एंड एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला विजन, तो उसको भी हम लोग ले सकते हैं. एंड देन फिर मैंने एक और थोड़ा बहुत फन के लिए उठाया कॉस्मिक गोस्ट राइडर. मेरा ये वाला कॉस्मिक गोस्ट राइडर ना रैंक 4 है 5 स्टार में. एंड मेरे को पता नहीं क्यों, मतलब टाइम ही नहीं मिलता कभी भी इसको रैंक अप करने का, क्योंकि मतलब मैं जितना भी यूज़ करता हूँ उसमें कभी भी मैंने कॉस्मिक गोस्ट राइडर को यूज़ किया ही नहीं है, क्योंकि इसकी जगह पर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ हो जाता है मेरा हरक्यूलिस यूज जाता है. ठीक है. एंड फिर लास्ट वाला जो चैंपियन था मैंने जस्ट हाइपीरियन को उठा लिया, बिकॉज व्हाई नॉट. ठीक है. एंड देन फिर मेरे को एंटर होने के बाद मिलता है, पता चलता है मतलब बेसिकली मैप थोड़ा जो है उंदा हो चुका है. पहले हम लोग जो है नीचे से ऊपर जाते थे, अब हम लोग जो है ऊपर से नीचे आ रहे हैं. बट एनीवेज हमको मैप में दिखता है कि दो अलग अलग जो है कैप्टन अमेरिका भी है. मैं सोचा कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा रहेगा, कैप्टन अमेरिका तो और भी इजी हो जाएंगे आयरन मैन के अलावा. ठीक है. तो यहाँ पर जो नोड्स है वो टेक्निकली काफ़ी एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ क्या कहते हैं एक्सप्लेन करने लायक है नहीं. फर्स्ट वाला नोड एंड जो लास्ट वाला नोड है उसको अभी के लिए इग्नोर कर दो. मेन आपको नोड्स जो काउंटर करने हैं वो है यहाँ पर सेकेंड वाला, एंड फिर जो यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड वाला, जो कि वाइट विटल डाउन एंड पम्पिंग आयरन विटल डाउन. मतलब बेसिकली करना क्या है, आपके चैंपियन के पास जो है काफ़ी सारे बफ्स होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2-3-4 तो होने ही चाहिए. ठीक है. उनमें अगर उससे भी ज़्यादा हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, एंड उससे कम हो तो थोड़ा बहुत आप स्लाइटली लेस डैमेज करोगे. ठीक है. एंड सेम चीज़ जो है अपोनेंट के ऊपर काफ़ी सारा डीबफ्स होने चाहिए, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि 3-4 बफ्स हो तो सेम अगर 3-4 डीबफ्स अवेलेबल होते हैं अपोनेंट के ऊपर तो वैसी चीज़ करनी. ठीक है. तो उसके लिए देखा जाए तो कॉस्मिक गोस्ट राइडर काफ़ी अच्छा चैंपियन रहेगा, क्योंकि वो काफ़ी सारे बफ्स भी ट्रिगर करता है एंड देन फिर वो आर्मर ब्रेक भी अप्लाई करता है. लिटरली एक पॉइंट पे 11 से लेके 12 तक जो है आर्मर ब्रेक डीबफ अप्लाई कर सकता है. एंड वैसे भी वो उसके हिट्स जो है काफ़ी सारा जो है डैमेज देंगे, उसके स्पेशल अटैक के थ्रू काफ़ी सारा बर्स्ट ऑफ डैमेज देखने को मिलेगा. देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा जो है डैमेज किया. अनफॉर्चुनेटली ना मैं ठीक से जो है यहाँ पर कॉस्मिक गोस्ट राइडर को खेल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने लिटरली काफ़ी टाइम से जो है इसके साथ खेला नहीं है. एंड एक्चुअली मेरे को डेक्सटेरिटी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए थी, बट एनीवेज कोई बात नहीं, हमने जो है उसको फिनिश कर दिया 2 SP2 के अंदर. एंड फाइट लिटरली काफ़ी ईजी है. तो जैसे कि मैंने बताया आपको इस वाले क्वेस्ट के नोड्स काउंटर करने के लिए आपके ऊपर काफ़ी सारे बफ्स चाहिए एंड अपोनेंट के ऊपर काफ़ी सारे डीबफ्स, जैसे कि हाइपीरियन होगा, हाइपीरियन भी काफ़ी अच्छा हैवी अटैक अप्लाई करके अपने ऊपर काफ़ी सारे बफ्स अप्लाई कर लो. एंड देन फिर आप SP1 यूज़ करके जो है अपोनेंट के ऊपर लिटरली काफ़ी सारे डीबफ्स जो है अप्लाई कर सकते हो. एंड मैं बेसिकली रिकमेंड करूँगा आपको कि कॉस्मिक वाले चैंपियंस ही काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास नेचुरल में काफ़ी सारे बफ्स अवेलेबल रहते हैं, उनको ज़्यादा कुछ क्या कहते हैं मैकेनिक परफॉर्म करनी नहीं पड़ती, ज़्यादा सीनर्जीज की भी ज़रूरत नहीं रहती, तो वो भी आप कर सकते हो. एंजेला भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि उसके बेसिक किट्स में बफ्स अवेलेबल है. एंड देन फिर वो जैसे अपना स्पेशल अटैक लॉन्च करती है तो अपोनेंट को उतना ही आर्मर ब्रेक दे डीबफ अप्लाई करेगी जितने आपके पास बफ्स होंगे. ठीक है. एंड देन फिर वेनम है, वेनम लेके जा सकते हो, वेनम पूल लेके जा सकते हो. यहाँ पर विजन आर्कस भी लेके जा सकते हो, जस्ट बिकॉज उसके पास आई गेस 5 क्या कहते हैं पावर गेन बफ तक जा सकते हो. एंड देन फिर अपोनेंट को आर्मर शटर कर सकते हो, कोल्ड स्नैप डीबफ अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. तो वो सारी चीज़ें आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो. अगर आपके पास कोई भी ऐसा चैंपियन है जो लिटरली कोई भी टाइप का बफ ट्रिगर नहीं करता तो आप जो है ओडिन की प्रीफाइट भी लगा सकते हो. 3 प्रीफाइट जो है उसके 3 बफ्स होते हैं अलग अलग, तो वो डेफिनेटली काउंट होंगे इस नोड को काउंटर करने के लिए. तो जस्ट इनकेस अगर आपके पास कोई भी ऐसा चैंपियन है जो काफ़ी कम बफ्स ट्रिगर करता हो
तो डेफिनेटली आप उसको लगाओ। एंड देन फिर हाइमडल एंड एंजेला वाली भी एक सीनर्जी है जिसकी वजह से आप कोई भी फाइट में एंटर करते ही डैश बैक करोगे तो आपको एक फ्यूरी बफ मिलेगा। सेम हाइमडल एंड मैजिक के साथ सीनर्जी है, आई गेस मैजिक ही है, कि जैसे फाइट में एंटर करते हो एंड डैश बैक करके होल्ड ब्लॉक करते हो तो आपको एक प्रिसिशन बफ मिलेगा। तो मैक्स टू मैक्स आप जो है 5 बफ्स कोई भी चैंपियन को लिटरली लगा सकते हो, बट देन फिर आपके टीम के अंदर रोस्टर थोड़ा बहुत जो है, मतलब आपकी टीम थोड़ी बहुत अलग हो जाएगी कि एक या दो ही चैंपियन मिलेंगे जो पूरे के पूरे पाथ जो है कंप्लीट कर सके। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ना मैं एक्चुअली ये फाइट लिटरली काफ़ी बेकार में खेलता हूँ। मैं एक्चुअली जो है यहाँ पर कहते कॉस्मिक गोस्ट राइडर के साथ मेरी ना स्पेसिंग थोड़ी बहुत जो है ऑफ हो रही थी, मतलब मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा था कि मेरा हैवी अटैक जो इसको कनेक्ट करेगा कि नहीं, कि कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी वॉर का हैवी अटैक जो है मेरे से कनेक्ट होगा कि नहीं, एंड उसी की वजह से हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हैवी अटैक के टाइम ही मैंने एसपी अटैक लॉन्च किया, बट स्टन काफ़ी जल्दी हो गया या तो फिर मैंने काफ़ी लेट लॉन्च किया। बट एनीवेज मैंने को सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी बहुत हेल्थ बची हम लोग तो इसको फिनिश कर देंगे। मैंने एकदम उतावल में जो है मैंने अपना SP1 भी लॉन्च कर दिया, जो कि मेरे को एक्चुअली नहीं करना चाहिए था, बट एनीवेज पावर गेन बफ की वजह से मैं अपनी थोड़ी बहुत जो है 1 बार ऑफ पावर क्रॉस कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आई गेस वो एक हैवी अटैक लॉन्च करता है, यहाँ पर जस्ट उसका एक लास्ट हिट, मतलब पता नहीं उसकी सारी कितनी सारी रेंज थी। मैं अगर 2 बार डैश बैक करता तो डेफिनेटली उसके रेंज के बाहर चला जाता, बट मेरे को ऐसा कि एक ही बार डैश बैक करूँगा तो इनफ रहेगा कि भाई उसके रेंज के बाहर चला जाऊँगा एंड देन मैं अपना हैवी अटैक जो है उसको काउंटर करूँगा। बट उसका एक लास्ट वाला हिट जो है क्लिप हो जाता है एंड भाई लास्ट वाला हिट जो है 12,000 का क्रिट डैमेज करता है मेरे को, तो वो थोड़ा बहुत जो है दिक्कत दे रहा था। बट एनीवेज कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास काफ़ी सारे चैंपियंस थे, तो इस पूरा के पूरे क्वेस्ट में लिटरली मैंने सिर्फ 2 ही चैंपियन यूज़ किए, जो कि एक हाइपेरियन एंड कॉस्मिक गोस्ट राइडर, उसमें भी एक 5-स्टार वाला था रैंक 4 लेवल का, ठीक है, तो वो देख लेना, मतलब आपके पास डेफिनेटली ऐसे चैंपियंस होंगे। बट स्टिल एक और बार बता दूँ कि हमारी मेन क्वेस्ट जो है 7th डे को आएगी, जो कि होगा फाइनल बॉस डोरमामू, एंड अंदर कौन सी फाइट्स होंगी वो देखना पड़ेगा। आई गेस मैंने ब्रेकडाउन वाले उसमें बताया था कि पाथ के ऊपर जितने भी फाइट्स थे वो सारे सारी अलग एक के बाद एक जो है लाइनअप होगी। एंड देन फिर इस हर एक क्वेस्ट, ये वाली जो क्वेस्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं स्लिंग रिंग वाली D1 से लेके D6 तक, तो वहाँ पर से हमको जो है अलग अलग बूस्ट मिल रहे हैं, तो बूस्ट कलेक्ट करके रखना जो कि हमको काफ़ी मदद करेगा। जैसे ही वो 7th-7वें दिन वाली जो बॉस फाइट आएगी वहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ेगा। इस वाले टाइम कौन सा टाइप का बूस्ट मिला है, आई गेस ऐसा कुछ है कि हम लोग ना मतलब क्या कहते हैं अपोनेंट को जो है आई गेस एनर्जी डैमेज करेंगे, या मतलब अगर हम लोग जो क्रिटिकल हिट करते हैं तो अपोनेंट को काफ़ी सारे डिबफ्स मिलेंगे, अगर सामने वाला अपोनेंट जो है हमको हिट करता है तो हमारे ऊपर काफ़ी सारे बफ्स मिलेंगे, तो एक ऐसा ये वाला इस टाइप का बूस्ट है। तो टोटल अभी आपके पास जो है 4 बूस्ट होने चाहिए एंड D4 तो वैसे भी कम्प्लीट हो चुका है, तो मेक श्योर कर लेना आपके पास इनफ बूस्ट एंड वगैरह वगैरह हो। बट एनीवेज इतना सा था ये वीडियो एंड होपफुली अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।